राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर को जम्मू कश्मीर के महाराजा विदा करने भवन से बाहर तक आए और कहा, मैं निश्चित रूप से आपके सुझावों पर ध्यान से सोचूंगा। गुरुजी ने महाराजा से कहा, यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि आप राजकुमार को जम्मू भेज दें और स्वयं श्रीनगर में बने रहें ताकि जनता का मनोबल बना रहे। 17 अक्टूबर को संघ के द्वितीय सर संघ चालक गुरुजी दिल्ली के प्रचारक वसंत राव ओक और बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह के साथ श्रीनगर पहुंचे थे। अगली सुबह यानी 18 अक्टूबर को गुरुजी कार में सवार होकर कर्ण भवन की ओर निकल गए। भवन के बाहर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और महारानी उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। जैसे ही गुरुजी कार से उतरे, महाराजा और महारानी उनके पैर छूने के लिए झुक गए। गुरुजी के प्रति महाराजा हरि सिंह का यह आदर भाव था। यही कारण था तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गुरुजी को उनसे वार्ता करने भेजा था। गुरुजी भवन के अंदर पहुंचे, महाराजा और गुरुजी की कुछ देर मुलाकात चली। दोपहर के भोजन के समय से पहले ही गुरुजी बाहर निकल आए। दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, सटीक सटीक बात तो कोई नहीं जानता, परंतु भारत में विलय की महाराजा की दुविधा को वे अवश्य ही दूर कर आए थे। महाराजा की चिंता थी कि जम्मू कश्मीर के सभी मार्ग पाकिस्तान से जुड़े हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी लाहौर में ही है। ऐसे में वे यदि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करते हैं तो यातायात अवरुद्ध हो जाएगा, जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। गुरुजी ने इसका समाधान देते हुए कहा, रेल, सड़क या हवाई मार्ग ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे तो भारत के साथ भी जोड़ा जा सकता है। गुरुजी दिल्ली लौटे और सरदार पटेल से मुलाकात कर उन्हें पूरी बात बताई। पटेल को पता था कि गुरुजी की बात का महाराजा पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और गुरुजी से मुलाकात के 8 दिन बाद ही 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सदैव के लिए जम्मू कश्मीर को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। हालांकि महाराजा हरि सिंह नेहरू की नीतियों को नापसंद करते थे, जबकि वे कहीं न कहीं सरदार पटेल की बात पर भरोसा करते थे, और ये सच भी साबित हुआ। 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के लोग बदहाली में जीते रहे, पाकिस्तानी घुसपैठ कर आतंक फैलाते रहे, परंतु जैसे ही सरदार पटेल जैसे कड़े निर्णय लेने वाली सरकार केंद्र में आई, जम्मू कश्मीर में भारतीयता की बयार बहने लगी। जो युवा चंद पैसों के लालच में आकर कुछ वर्ष पहले तक गोला बारूद की भेंट चढ़ते थे, आज वही युवा सेना में भर्ती होकर अपने राज्य की, देश की शान बढ़ा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में न मात्र तिरंगा लहरा रहा है, अपितु शांति व्यवस्था भी लौट आई है।